हाँ तो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे कि पढ़े हुए को कैसे याद रखें, है ना। बार बार भूल जाते हैं तो उसको कैसे याद रखें, इस पे चर्चा कर रहे थे। 8 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे पिछले वाले वीडियो में, तो नवा पॉइंट अब लेते हैं कि देखो क्या करो, कोई टॉपिक लेते हो आप, उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझो, है ना। किसी टॉपिक को अच्छी तरह से समझो और फिर उसको समझ कर अपने साथी को समझा दो उसको। यानी कि साथी है, या फिर मान लो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके जो क्लासमेट है या आपके जो रूम पार्टनर है, और 10th 12th में हो तो जो आपका क्लासमेट है उसको समझा दो। तो अपने साथी को समझाना है, करना क्या है, टॉपिक को अच्छी तरह से समझो। समझ में आ गया तो अपने साथी को समझा दो। जो वो समझता है कि मुझे थोड़ा सा कम आता है, या जो आपकी बात समझ जाए, मतलब आपकी सुन ले, या आपका जो उस टॉपिक को सुन सके कोई, उसको समझा दो। देखो टॉपिक को समझकर समझाने से होगा क्या, आप उसको अच्छी तरह से ध्यान से समझोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, समझाने जा रहे हो, इसलिए अच्छी तरह से समझोगे, समझा दोगे। नेक्स्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनके क्या सिद्धांतों को अच्छी तरह से फोकस से समझना होता है, सिद्धांतों पर फोकस करना होता है, न कि रिपीट कर करके उसको इसे यहाँ रख लेना या फिर ये लर्न नहीं कर लेना केवल, वो उस पर काम नहीं चलेगा, है ना। तो सिद्धांतों को पढ़ना पड़ता है, सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझना पड़ता है, ताकि फिर उसमें कितने क्वेश्चन बने भले फिर उनको हल कर सको, रटना नहीं है कहने का मतलब। तो और कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि उनका सीक्वेंस के हिसाब से उनको याद किया जा सकता है, जैसे मान लो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के अंदर आप घटनाओं को सिक्वेंस में लाओ और उनको बार बार पढ़ो तो याद करो, है ना, याद कर सकते हो उसमें। तो उनका सिक्वेंस रखो कि इस घटना के बाद में ये घटना हुई थी, इसके बाद में ये घटना हुई थी, इस घटना से पहले हुई थी, ये इस घटना के बाद हुई थी, इस घटना में क्या क्या हुआ था, इस घटना के कारण ये वाली घटना घटी थी, इस प्रकार से कोई जो भी घटनाएं है ना हिस्ट्री वगैरह में, तो उनका एक सिक्वेंस बना लो, एक क्रम बना लो, उस क्रम को याद रखो, लिख कर याद रखो। नेक्स्ट 11वां पॉइंट है कि बार बार पढ़ो, यानी कि रिपीट करते रहो। रिपीटेशन में बहुत बड़ी पावर है, रिपीटेशन की पावर को समझो। जैसे हनुमान चालीसा की बात करें तो हनुमान चालीसा काफी लंबी होती है, लेकिन उसको लोग डेली बोल बोल के उसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। कर नहीं लेते हैं, कौन करता है याद, तो कोई नहीं करता, बस पढ़ते हैं डेली, तो पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाती है, कोई सोच नहीं सकता कि याद भी हो जाएगी क्या। इसलिए जब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि याद करनी है, फिर भी याद हो जाती है, इसका मतलब बार बार पढ़ने से कन्फर्म मानो कि आपको याद होगा ही होगा, है ना। जबकि वो चाह ही नहीं रहा था याद करना, वो तो ऐसे कि बस पढ़ रहे हैं पर याद हो जाती है ना। तो आप तो अगर चाहोगे कि मुझे ये याद करनी है तो और जल्दी, बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए बार बार पढ़ो। दूसरा उदाहरण समझो कि जैसे पंडित जी हैं शादी के अंदर, फिर उनमें या फिर उसमें जो मंत्र बोलते हैं वो ऑटोमेटिक निकल कर आते हैं, बार 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 मंत्र को पढ़ने से याद हो जाते हैं। एक उदाहरण और बताता हूँ आपको, मेरा दोस्त जब 10th में पढ़ रहा था तो क्या करता था, डेली सुबह उठता था और पढ़ता था, डेली 4 बजे अर्ली मॉर्निंग उठता था। एक दिन वो उठा नहीं, 6 बजे उठा या 6:30 बजे उठा, तो मैं उसके पास गया तो वो कह रहा था आप तो दिमाग खराब हो रहा है, आज मेरा मूड खराब हो रहा है। मैंने कहा क्यों, आज बोले मैं सुबह उठ नहीं पाया। तो मैंने कहा क्या हो गया, नहीं उठ पाया तो एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। बोले नहीं 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 उठ के मैं डेली पढ़ता हूँ तो आज मेरा नुकसान हो गया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, क्यों नहीं उठा इतने, कैसे सोता रहा। बोले सपना आ रहा था। मैंने कहा क्या आ रहा था सपने में। तो बोले मैं मैथ के सवाल हल कर रहा था सपने में, मैथ के सवाल हल कर रहा था। तो उसको हल करने के लिए मैंने कहा क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या क्या डेटा है वो होने चाहिए, फिर उसमें कौन सा सूत्र लगेगा उसमें रखने हैं, फिर कैलकुलेट करना है, फिर आंसर क्या आएगा वो। बोले वो सब याद थे मुझे, मतलब उसने इतनी बार रिपीट किया था कि उसको क्वेश्चन भी याद था, कौन सी प्रश्न वाली का 5वां क्वेश्चन में क्या क्या डेटा है, क्या पूछ रहा है, कैसे हल किया जाएगा और आंसर क्या आएगा, इतना पढ़ा था। यह है पावर रिपीटेशन की। मैंने पूछा फिर बाद में 10th के एग्जाम के बाद भी कितनी बार पढ़ा होगा मैथ के सवाल को, कितनी बार निकाला होगा। बोले हर सवाल को 40-40 बार निकाल दिया मैंने। इसलिए रिपीटेशन की पावर को समझो। अगला 80-20 प्रिंसिपल, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है कि 80% जो रिजल्ट है ना वो 20% जगह से मिल जाते हैं, अर्थात आपकी जो बुक है, आपका जो सिलेबस है, उसमें से 80% या 70% जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो केवल 20-30% एरिया से आ जाते हैं। तो आपको वो 20-30% का एरिया चुनना है, 20-30% के टॉपिक चुनने की, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो कंपटीशन हो, इस पर विशेष ध्यान रखें। तो 80-20 प्रिंसिपल के नाम से प्रिंसिपल है, तो इसी प्रकार से उसको समझ कर आप उस पर फोकस कर सकते हो कि ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, उस हिसाब से याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक तो पढ़ाई के माहौल में रहना है आपको, है ना। ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना कि जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर वो कुछ उनके दिमाग में कुछ और ही कुराबात चलता रहता है, या फिर पता नहीं दुनिया भर में ऐसे कुछ लगे हुए हैं, लिप्त हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, क्योंकि आपको पढ़ाई के माहौल में रहना है। जब पढ़ो तो पढ़ो, जब नहीं पढ़ो तो क्या, पढ़ाई के माहौल में तो रहो कम से कम, है ना। तो जब नहीं पढ़ रहे हो तो भी पढ़ाई के माहौल में ही रहना है, ढंग के लोगों के साथ ही रहना है, अच्छे दोस्तों के साथ ही रहना है, कंपनी सही रखनी है अपनी। एक दूसरा, एक्सरसाइज किया करो,
चाहे थोड़ी करो लेकिन डेली एक्सरसाइज करो, बॉडी के लिए ठीक रहती है। मेडिटेशन, ये दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे साफ पानी में अच्छी तरह से सब कुछ चीज़ें नज़र आती है, न तो गंदा पानी है उसमें नज़र आता है, न उबलते हुए पानी में साफ नज़र आता है। इसलिए आपके दिमाग को उबलता मतलब गुस्सा नहीं करना है, है ना, गुस्सा नहीं रखना। अगर गुस्सा क्या करता है, बुद्धि को नष्ट कर देता है। एक तो गुस्सा नहीं करना है, दूसरी बात मेडिटेशन से आपके दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, यानी कि क्या करना है, साफ पानी की तरह रखना है, तो वो उसमें जब आराम से याद रख पाओगे। अगला है कि डीप ब्रीदिंग किया करो। डीप ब्रीदिंग मतलब गहरी सांस लिया करो। क्यों लेनी है गहरी सांस? गहरी सांस लो, थोड़ी देर रोको, छोड़ो, गहरी सांस लो, छोड़ो। क्यों? क्योंकि दिमाग अपने पूरे शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन का यूज होता है ना, उसमें से 20% अकेला अपना दिमाग यूज करता है उसका। इसलिए दिमाग को ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए डीप ब्रीदिंग करो, है ना। डीप ब्रीदिंग चाहे डेली 10 मिनट ही करो, 10-15 मिनट डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस ली छोड़ी, ऐसे करोगे तो दिमाग शार्प होगा, तेज होगा। दूसरी बात, पानी जो है अपना मस्तिष्क है मैक्सिमम पानी से बना हुआ है, यानी कि पानी उसमें बहुत ज़्यादा है, तो क्या करो, पानी पीते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, है ना, तो पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया है, ये ट्रिक्स आपको पसंद आए हैं, टॉपिक आपको पसंद आया है ना, याद करने के आपको कुछ लगा है, आप इनको जरूर फॉलो करें, बहुत काम करेंगे पक्का, मैं पता करता हूँ। आप इनको अगर फॉलो करोगे ना तो आपके लिए जीवन में बहुत काम आएंगे। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, चैनल को, और लाइक भी करें। थैंक यू।